अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखना है कि यहाँ पर डायमेंशन फॉर ऑफ द कपल आर, डायमेंशन ऑफ कपल, कपल के लिए जो है डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कपल का जो फॉर्मूला है होता है वो होता है फोर्स इंटू आर्म लेंथ। ओके, अब आर्म लेंथ या रहो या फिर कोई भी लेंथ लो वो अपन काउंट करेंगे एल में। ओके, फोर्स जो है वो अपन काउंट करते हैं न्यूटन में। तो न्यूटन जो है उसका, देखो यहाँ पर न्यूटन जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, एल वन एम वन टी माइनस टू, इतनी बार यूज़ करोगे ना कि अपने आप आपका लर्न हो जाएगा। और एल वन तो ये हो जाएगा एल टू एम वन टी माइनस टू। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या है, या फिर आप बोल लो यहाँ पर एम से स्टार्टिंग है तो एम वन एल टू टी रेस टू द पावर माइनस टू। तो एम वन एल वन, हाँ अब यहाँ पर आप बोलोगे वन तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर वन जो है वो लिखा नहीं लिखा सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एम एल रेस टू द पावर टू टी रेस टू द पावर माइनस टू इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एंगुलर मोमेंटम का। अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और इतने सारे बार आया वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया वाला है, मीन्स व्हाट कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एंगुलर मोमेंटा जो है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटा आप निकाल सकते हो एम वी आर, वेयर एम इज़ द मास, वी इज़ द वेलोसिटी एंड आर इज़ द रेडियस। सो एम वी आर, एम इज़ द मास तो हो जाएगा m, v इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो l t रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन टाइम है इसलिए t रेस टू द पावर माइनस वन, और r क्या है रेडियस, रेडियस होगा l, तो ये हो गया l टू m t रेस टू द पावर माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर जो है वो m से स्टार्ट करेंगे तो m l रेस टू द पावर टू t रेस टू द पावर माइनस वन, m l रेस टू द पावर टू t रेस टू द पावर माइनस वन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स का जो डायमेंशन फार्मूला है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स देखो यहाँ पर भी न्यूटन इंटू टाइम, न्यूटन का अब लर्न हो गया होगा, बोलो बोलो क्या है, एल वन एम वन टी माइनस टू इंटू टाइम मीन्स टी, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया माइनस टू प्लस वन, कितना हो गया माइनस वन, टी रेस टू द पावर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, एल वन एम वन टी रेस टू द पावर माइनस वन, या फिर एम वन एल वन टी रेस टू द पावर माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या देखना है, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। दिस इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको प्लांक्स का डायमेंशन निकालना है। वी नो दैट ई जो है वो होता है एच म्यू। अब यहाँ पर जो है डायमेंशन नहीं निकालना है, थोड़ा सी फिरकी ले ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिरकी क्या ली है, अब यहाँ पर फिरकी जो है वो पीके का डायलॉग है। ओके, फिरकी जो है वो क्या से आया है कि प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन आपको सीधा सीधा नहीं पूछा हुआ है कि इनमें से प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन का कैसा आएगा। ओके, रिलेटेड तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांक्स कांस्टेंट का निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको फिर एनर्जी, वर्क, लीनियर मोमेंटा, एंगुलर मोमेंटा का निकालना पड़ेगा। इन चारों का निकालने के बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसे प्लांक्स कांस्टेंट से, और कौन सा सिमिलर है वो आपको देखना पड़ेगा। एम्स में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, सीबीएसई पीएमटी में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पहले अपन निकाल लेंगे प्लांक्स का। ओके, तो प्लांक्स जो है वो होता है ई इक्वल्स टू एच म्यू। ओके, अब जो एच है वो होता है प्लांक्स कांस्टेंट, तो एच हो जाएगा ई बाय वी। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि एनर्जी जो है उसका, जो एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू प्लांक्स, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहीं पे कट आउट हो गया। ओके, तो एच, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपन करते हैं काउंट वन बाय टी में, वन बाय टी मतलब पर सेकंड। ओके, तो ई क्या हो गए, ई का क्या हो जाएगा, एम वन एल रेस्ट टू द पावर टू टी रेस्ट टू द पावर माइनस टू अपॉन टी रेस्ट टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वन एल रेस्ट टू द पावर टू टी रेस्ट टू द पावर माइनस वन। ओके, तो ये हो गया अपना प्लांक्स का। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक बार का लिख देती हूँ, एम वन एल रेस्ट टू द पावर टू टी रेस्ट टू द पावर माइनस वन, ये हो गया आपका प्लांक्स का। ओके, तो अब अपने को निकालना पड़ेगा लीनियर मोमेंटा का, वर्क का और एंगुलर मोमेंटा का, जिससे किससे आपको मैच होगा वो आपको देखना है। ओके, तो वर्क जो होता है वो होता है, वर्क का जो है मैं निकालने नहीं वाली, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट बताने वाली हूँ आपको। तो वर्क जो होता है उसके लिए होता है, यहाँ पर मैं पहले एच का लिख देती हूँ, एच जो है
एनर्जी तो गायब हो गया। ओके एच जो है वो आपको मिला एम वन एल टू टी रेस टू द पावर माइनस वन। ओके अब आपको निकालना है वर्क के लिए, तो वर्क जो है मैं यहाँ पर निकालना नहीं बताने वाली। ओके वर्क का आप बहुत सिंपल है, निकाल लो आप एम वन टी रेस टू द पावर माइनस टू एल टू। ओके तो ये भी सिमिलर नहीं है, मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट अ राइट ऑप्शन। ओके लीनियर मोमेंटा, अब लीनियर मोमेंटा जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या होता है? एम रेस टू द पावर टू। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एल रेस टू द पावर वन टी रेस टू द पावर माइनस वन। तो ये जो है वो हुआ क्या सेम? नो, मतलब दिस इज नॉट अ राइट आंसर। तो एंगुलर मोमेंटा इज द राइट आंसर। तो एंगुलर मोमेंटा इज द राइट आंसर। ओके समझा आपको यहाँ पर? समझा, ये तीनों भी रॉन्ग है। मीन्स क्या? एंगुलर मोमेंटा जो है वो राइट आंसर है। निकाल लो आप एंगुलर मोमेंटा का फॉर्मूला निकाल के। ओके अब क्वेश्चन नंबर 28 में जो है आपको क्या करना है कि इन चारों का यूनिट निकालना है और ये बताना है कि किसका यूनिट डिफरेंट है। ओके तो ए का जो यूनिट है वो अपन निकालेंगे। ए क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी के लिए जो है फॉर्मूला डायमेंशन होता है एम रेस टू द पावर वन एल रेस टू द पावर टू टी रेस टू द पावर माइनस टू अपॉन वॉल्यूम जो है वो अपन काउंट करते हैं एल क्यूब में। तो इसका जो है वो हो जाएगा एम वन एल रेस टू द पावर वन टी रेस टू द पावर माइनस टू। ये जो है माइनस वन होगा क्योंकि ये थ्री है। ओके अब बी जो है बी के लिए क्या होगा? बी के लिए होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया बी के लिए। ओके तो फोर्स क्या है? न्यूटन मीन्स वॉट? एल वन एम वन टी रेस टू द पावर माइनस टू अपॉन एरिया मीन्स एल टू। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? एल रेस टू द पावर माइनस वन एम रेस टू द पावर वन टी रेस टू द पावर माइनस टू। तो ये भी हो गया सेम। देखिए सेम है। अब सी जाएंगे, सी पर देखेंगे क्या होगा। तो सी जो है उसका आएगा, सी जो है उसके लिए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके तो इसे आप क्या बोलोगे? ये है वॉल्यूम। तो इसे आप बोल सकते हो पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। ओके पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो है वी इंटू क्यू, इसे आप बोल दोगे पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है वो पावर क्या हो जाएगा? एम रेस टू द पावर वन एल रेस टू द पावर टू टी रेस टू द पावर माइनस थ्री इंटू टाइम मीन्स टी ऑन वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब। तो इसे करोगे सॉल्व तो आपको मिलेगा एल रेस टू द पावर माइनस वन एम रेस टू द पावर वन टी रेस टू द पावर माइनस टू। ये भी देखो सेम है। मीन्स वॉट? कि ये तीनों का सेम है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ये जो है वो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। बट डी कैसे राइट है ये भी आप देख लो। डी जो है वो यहाँ पर कोपरे में चली गई, कोपरे में जगह नहीं है, अब कोपरा ही काम आने वाला है आपको। तो डी जो है वो क्या है? एंगुलर मोमेंटा पर यूनिट मास। तो एंगुलर मोमेंटा का जो है फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल रेस टू द पावर टू टी रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन मास। तो यूनिट मास मीन्स वॉट? यहाँ पर हो जाएगा एम। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जीरो एल रेस टू द पावर टू टी रेस टू द पावर माइनस वन। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है कुछ कुछ इसके डायमेंशन मैंने डायरेक्टली यूज़ किए। तो ये जो डायरेक्टली यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि एनर्जी फोर्स एंगुलर मोमेंटा इन सारे के यूनिट्स आपको लर्न चाहिए। और अगर नहीं लर्न होगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और मैंने वहाँ पर एक 30 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन कैसे निकाले वो फाइंड आउट कर लो। ओके और यहाँ पर नहीं तो आपके पास आई बटन में भी वो मिलने वाला है आपको। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर आपको लग रहा है कहीं कहीं पर आपको नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।